अहम तहलका न्यूज। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आज साध्वी सजनानंद गिरी को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने साध्वी का विधि विधान के साथ पटाभिषेक करवाया और चादर विधि की और उसके बाद अन्य अखाड़ों से आए संतों की ओर से पटाभिषेक चादर उड़ाई गयी। अखाड़ा परिसर में हुए महामंडलेश्वर पटाभिषेक कार्यक्रम में पूरे विधि विधान के साथ साध्वी को महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया और उनसे अपेक्षा की गयी कि वे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करके धर्म के उत्थान के लिए कार्य करेंगी। साध्वी सजनानंद गिरी अखाड़े के सचिव, मंशा देवी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी की शिष्या है और साध्वी कामाख्या असम में रहकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करती है। उनके देश भर में अनेक स्थान पर आश्रम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समाज मौजूद रहा। अखाड़े ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी माने, इसको कितने से पूरा करेंगे जिम्मेदारी, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, वक्त बताएगा। और जो भी दायित्व दिया है मेरे गुरु जी ने और महापुरुषों जी ने, वो मैं दायित्व जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। और बाकी जो कार्य हो रहे हैं वो आप लोगों के सामने आएंगे, तब बोलने का फायदा रहेगा। किस तरह के कार्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए, गौशाला है जो काफ़ी सारी गौओं के उसके सम्मान के लिए, बहुत सारे कार्य हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, तो वो सब आपके सामने आएंगे। कार्य आप असम की रहने वाली हैं, असम में स्थिति उसमें किस तरह से कार्य करेंगी, कैसे असम ये बहुत अच्छी है, बहुत मान सम्मान मिलते हैं। आप आइएगा गुवाहाटी, आना कामाख्या माँ के मंदिर के दर्शन भी करना और आपको पता लगेगा कि हिंदुओं का सम्मान कैसे होता है, नारी शक्ति का सम्मान कैसे होता है। चलिए सर, जो असम में रहती है, असम में उनका आश्रम है, दिल्ली में उनका आश्रम है, वृंदावन में उनका आश्रम है और मध्य प्रदेश में उनका आश्रम है। उन्होंने बहुत पहले हमें कहा था कि मुझे भी निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनना है, तो इससे आज से एक महीने पूर्व इनकी मेरी वार्ता हुई थी और हमने ये कहा था कि हम आपको 25 अगस्त को जो है निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाएंगे और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है, ताकि जो हमारी सनातन परम्परा है, जो हमारी परम्पराएँ लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, मातृ शक्ति को आगे लाया जाए, इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। क्या सभी अखाड़े के लोग आए थे चादर उड़ाइए? देखिए, अभी सभी अखाड़े नहीं आए थे, जो हमारे क्योंकि आपने देखा होगा हमारा अखाड़ा परिषद दो हिस्सों में है और जो मेरे साथ के अखाड़े थे वो सभी अखाड़े आए हैं और सभी ने चादर विधि की है। बल्कि हमारे जो दूसरे अखाड़े के जो मेरे साथी है रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने भी चादर भेजी है, तो तकरीबन सभी संत महात्मा ही। और इसमें एक और दिक्कत हमें आई कि कार्यक्रम जो है बहुत छोटा हुआ था, बहुत जल्दी में किया गया था, सबको हम यहाँ बुला नहीं पाए थे, तो इसलिए जो कार्यक्रम हुआ इतना दिव्य भव्य नहीं हो पाया, छोटा सा किया था और जल्दबाजी में ये कार्यक्रम हमारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरह से काम करेंगे पूरा? देखिए, जो महामंडलेश्वर होता है, महामंडलेश्वर का अर्थ ये होता है उसको ज्ञान होना चाहिए। सबसे जो पहली बात है, महामंडलेश्वर को पढ़ा लिखा ज्ञानी होना अति आवश्यक है। संत कोई भी बन सकता है, परंतु महामंडलेश्वर जो है वो पढ़े लिखे ही बन सकते हैं। अखाड़ों में महंत कोई भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है, परंतु महामंडलेश्वर को उसका जो सनातन परंपरा का जानकार, सनातन परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितने भी हमारे ज्ञानी है, जिनको बाकी सनातन का ज्ञान है और जिनके पास आश्रम है, मठ है, जो लोगों की सेवा कर सके, संतों की सेवा कर सके, उन्हीं को जो है महामंडलेश्वर बनाया जाता है। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।